अशोक तंवर जो हैं उनको टिकट मिली है सिरसा से, वो यहाँ पहुंचे हैं, बातचीत करेंगे उनसे किस प्रकार से। सर, बहुत-बहुत आपको धन्यवाद। सिरसा से उम्मीदवार बनाया गया है, कैसे देखते हैं सर इस टिकट में यहाँ? जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उम्मीदवार बनाया गया है सिरसा से, कैसे देखते हैं सर पूरे इस? मेरी रिक्वेस्ट है, एक तो सारे एक साथ कर लो तो थोड़ा ठीक रहेगा। सर लाइव चल रहा है सर। नहीं, मैं आभार प्रकट करता हूँ पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनका सपना है भारत को विकसित देखना, भारत को हर क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष स्थान पर देखना। उसी सपने को लेकर के हम सारे साथी और पूरा देश 140 करोड़ लोग आज उनकी भावनाओं के अनुरूप काम करने के लिए तैयार हैं। आज मौका जो उन्होंने दिया है, पार्टी अध्यक्ष में नड्डा साहब का, अमित शाह जी का, मनोहर लाल जी का, नायब सैनी जी का, और जो भी शीर्ष नेतृत्व विप्लव देव जी का, जो भी प्रभारी है, और खास तौर पे उन जमीनी कार्यकर्ताओं का जिन्होंने जिनसे पूछ करके पार्टी ने फैसला किया है, और सबका साथ लेकर के आने वाले समय में हमारा लक्ष्य होगा हरियाणा की 10 सीटें हम जिता करके आदरणीय मोदी जी को ये तोहफा दें, ताकि और तेजी के साथ वो भविष्य में काम कर सके। जो उन्होंने बड़े सपने इस देश के लिए देखे हैं वो जल्दी से जल्दी पूरे हो सके। सिरसा के हिसाब से कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जो आप कहीं ना कहीं इस चुनाव में लेकर जनता के बीच जाने वाले? वो सारे बताएंगे जब समय आएगा। सिरसा हमारी टिप्स पे है, एक एक गांव, एक एक मुद्दा, और सिरसा के लोगों की जो भावनाएं हैं उनके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी भी और मैं भी काम करूंगा। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से राजश्री, देखिए तमाम आभार व्यक्त करते हैं यहाँ अशोक तंवर नजर आए, केंद्रीय नेतृत्व का शीर्ष